खबर पटना से है, जहां गांधी मैदान में दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें जिसमें पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं। बता दें जिसकी जानकारी देते हुए गौरक्षा वाहिनी के अध्यक्ष मनोज राणा ने बताया कि 13 मई से 17 मई तक बागेश्वर धाम सरकार महाराज का 5 दिवसीय दौरा पर पटना आएंगे। बताते चले कि सबसे पहले वह पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं बागेश्वर बाबा के आगमन को लेकर लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं इस आयोजन में काफी लोगों के आने की संभावना है। वहीं इस आयोजन में 5 दिन भक्तों के लिए लंगर और भगवान के लिए प्रसाद तैयार किया जाएगा। पहली बार तो मैं सभी तमाम दर्शकों को नमस्कार, मनोज राणा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कार्यक्रम हम जो बाबा बागेश्वर धाम की अभी बिहार में प्रचार प्रसार चल रही है, 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक कानपुर में कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं जा रहा हूँ। बाबा ने मुझे बुलाया है और यहाँ बिहार में कार्यक्रम है 13 मई से 17 मई तक। तो महावीर मंदिर के हमारे जो अध्यक्ष हैं कुणाल किशोर साहब, उन्हीं के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और बिहार में पहली बार बाबा बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री साहब आ रहे हैं। 13 मई को भव्य स्वागत होगी उनकी महावीर मंदिर में, उसके बाद वो कथा स्थल पर चले जाएंगे। बहुत उत्साह है, उल्लास है, चप्पे चप्पे पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और जो भी होगा वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होगा, जो बाबा बागेश्वर को ध्यान लगाएगा जरूर बाबा बागेश्वर उनको दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो बस चढ़ के हिस्सा लीजिए इस कार्यक्रम में। आप लोग आने का अनुमान आप लगा रहे हैं? लमसम हमारे गांधी मैदान में तो जगह आउट हो जाए, मतलब ये पूरा भर के एकदम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग पहले समाचार मिला कि पटना से बाहर संपत चक में लगेगी, क्योंकि जगह 10-12 लाख आदमी की भीड़ होने की संभावना है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होगी। लंगर की भी व्यवस्था हो रही है? लंगर की व्यवस्था होगी, सारे जितने भी श्रद्धालु आएंगे सभी को समय समय पे वहाँ प्रसाद वितरण होगी और सभी को स्वागत के लिए सभी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है सभी तरह से। और बाबा आप लोग भी आइए सभी लोग और धीरेन्द्र शास्त्री साहब का। श्रद्धालुओं के लिए एंट्री फीस भी होगा? बिल्कुल, श्रद्धालुओं के लिए टीवी चैनल पे आप लोग अक्सर देखा करते होंगे धीरेन्द्र शास्त्री साहब बोलते हैं नहीं 1 रुपया लेंगे और नहीं कोई 1 रुपया देगा, फ्री एंट्री है, बिल्कुल फ्री।